Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10's NCERT, Democratic Politics 2 and we are on chapter 4, Gender, Religion and Caste. So, देखिए आज इस session में हम actually दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, Gender and Politics and Religion and Politics. इस session में हम पढ़ेंगे Caste and Politics and basically we'll try to understand caste inequalities. तो देखिए जेंडर और रिलीजन की तरह कास्ट डिवीजन बहुत ज़्यादा स्पेशल है इंडिया के लिए क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सालों से कास्ट डिवीजन चलता आ रहा है. सो ऑल द सोसाइटीज़ दे हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड सम शॉर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ लाइक डिवीजन ऑफ लेबर. उसी तरह से हमारे यहाँ भी ये जो ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेज हैं वो बने रहते थे और ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेज हैं वो पहले पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं. बहुत सी सोसाइटीज़ में आपको देखने मिलेगा कि जो ऑक्यूपेशंस हैं दे पास्ड ऑन जनरेशन टू जनरेशन. यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसकी उसके उसके बच्चे और उसके बच्चे भी बिजनेसमैन ही होते हैं. इफ़ समवन इज़ लोहार तो उसकी फैमिली भी वही ऑक्यूपेशन अडाप्ट कर लेती है. सो उसी तरह से यहीं से जो है उसके बेसिस है ना जो हमारे कास्ट सिस्टम के, फ्रॉम देयर ओनली दे स्टार्टेड. ओके, बट हमारा सिस्टम क्यों अलग है ये दूसरी कास्ट सोसाइटी से, यानी कि ये जो हायरार्कियल और हेरिडिटरी सोसाइटी है, ऑक्यूपेशनल सोसाइटी है उसने, क्योंकि हमारे यहाँ हमने इनको किससे सैंक्शन कर दिया है, हमने अपने रिचुअल्स से इसको सैंक्शंस कर दिया है. राइट, सो हमारे यहाँ ये मैंडेटरी बना दिया था कि अगर आप एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप बिजनेस ही करोगे, अगर आप लेबरर हो तो आप लेबरर का ही काम करोगे, इफ़ यू आर अ किंग तो आपके बच्चे भी किंग ही बनेंगे और उसी फैमिली में रहेंगे. वैसे ही हमारे ये कास्ट सिस्टम स्टार्ट हो गया और हमारे यहाँ क्या शुरू हो गया, इन कास्ट वालों ने, जैसे कि सपोज इफ समवन इज़ डूइंग बिजनेस तो बाकी के जो बिजनेस वाले हैं उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना ली. तो इस तरह से सिमिलर ऑक्यूपेशन वाले भी अपने ही ऑक्यूपेशन में शादियाँ करने लगे और दूसरे कास्ट का, यानी कि अगर किसी का काम जो वो नीच छोटा समझते थे, यानी कि किसी का काम छोटा है अगर उससे अर्निंग कम हो रही है इन अ वे, तो वो काम छोटा है और उनको टच नहीं करेंगे और उनके हाथ का खाएंगे नहीं. और यहीं से जो हमारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में वो स्टार्ट हुआ. कास्ट सिस्टम इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन. ठीक है, एक्सक्लूजन से, यानी कि डिस्क्रिमिनेट करो, आउटकास्ट करो ग्रुप को. राइट, एंड ऑल्सो यहाँ पे हमारे भारत में तो बहुत सारी इनह्यूमन अनटचबिलिटी वाली जो प्रैक्टिस है वो की जाती थी. इसी वजह से जो हमारे जो लीडर्स हैं, ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर जी, बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने हमेशा से ट्राई किया कि ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको हटाया जाए. सो पार्शली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ आर फोर फादर्स एंड पार्शली ड्यू टू द सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, कास्ट चेंजेस एंड कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में जैसे कि जैसे इवॉल्व हुआ, उसकी वजह से हमने एट द एंड ऑफ द डे ये सारी प्रॉब्लम्स को इवॉल्व और यू नो हमने उनको इरेज करने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक वी हैव सीन द ग्रेट चेंजेस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट लार्ज स्केल में हुआ, यानी कि अर्बनाइजेशन हुआ, अर्बन एरियाज़ का डेवलपमेंट हुआ, लिटरेसी बढ़ी, एजुकेशन जो है लोगों को मिला, और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, लोग ऑक्यूपेशन के लिए इधर उधर जाने लगे, एंड लैंडलॉर्ड्स की पोजीशंस, हमारे यहाँ जो ज़मींदार वगैरह होते थे उनकी पोजीशन में वीकनिंग हुई, उनको एक्चुअली ज़मींदारी सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जो हमारी कास्ट हायरार्की थी उसको ब्रेक किया गया, एंड फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये प्रोविज़न है ही है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. सो आफ्टर ऑल ऑफ दीज एफर्ट्स, दीज थिंग्स आर ब्लरिंग एंड दीज थिंग्स आर यू नो अंडरवेंटिंग अ ग्रेट चेंजेस. देखो अभी मॉडर्न टाइम में अर्बन एरिया में अगर आप मूव करते हो तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो. ठीक है, व्हेन यू गो टू रेस्टोरेंट, अगर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो तो आप कभी स्ट्रीट फूड जो बना रहा होता है उसकी कास्ट तो नहीं पूछते ना. सो दीज आर द मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स जिनने बहुत सी हद तक कास्ट इनइक्वालिटीज़ को कम किया है. फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही हमारा रेस्क्यू पे, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही प्रोहिबिट किया है लीगली, इस चीज़ को बताया है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा वो नहीं किया जाएगा और ऐसी कोई पॉलिसीज़ नहीं निकाली जाएंगी जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर इनजस्टिस हो किसी भी कास्ट सिस्टम को लेकर. इफ़ अ पर्सन जो कि सेंचुरी एकाध सेंचुरी के पहले रहता था और अब वापस आएगा तो ही विल बी सरप्राइज्ड सीइंग द चेंजेस इन अ कंट्री दैट दिस
चेंजेस कंट्री अंडरवेंट एंड कास्ट ऑल्दो डिसअपियर नहीं हुआ है अभी भी आज के डेट में भी डीप रूटेड, देखो कोई भी डीप रूटेड प्रॉब्लम होती है तो उसको जड़ से निकालना तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन हम आधी जड़ तक तो पहुंच चुके हैं एटलीस्ट, है ना। सो यही है कि आप अगर अभी देखोगे तो अभी डिसअपियर नहीं हुआ है, कुछ ओल्डर प्रैक्टिसेस अभी भी चलते हैं, लोग अभी भी कास्ट को लेकर स्पेशली इन द रूरल एरियाज़ इस चीज़ को और ज़्यादा परसिस्ट करते हैं, अभी भी लोग अपने कास्ट और ट्राइब के बेसिस पे अपनी आइडेंटिटी इंश्योर करते हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है तब भी अभी कम्प्लीटली इसको प्रोहिबिट जो इन प्रैक्टिस बोला जाए ना तो इन प्रैक्टिस नहीं है। इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरी ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू टू फेल टुडे एंड दैट इज़ ट्रू। सो कास्ट ग्रुप जिनको एक्सेस था एजुकेशन का पुराने सिस्टम में वो काफ़ी अच्छा कर लिए आज की डेट में, वो काफ़ी अच्छे पोजिशंस पे हैं, और जिनके पास एजुकेशन के लिए एक्सेस नहीं था वो अभी भी दे आर यू नो लैगिंग बिहाइंड ऑल ऑफ दीज पीपल। सो दिस इज़ वाई ये जो डिसप्रोपोर्शनैलिटी आपको मिलेगी लास्ट स्केल पे कि अपर कास्ट के लोग आपको अच्छे ऑक्यूपेशंस में मिल जाएंगे और लो कास्ट के लोग आपको कुछ कम बेसिस पे यानी कि कुछ लोअर ऑक्यूपेशंस में मिल जाएंगे। और यही है कि हमारी जो कास्ट सिस्टम है वो अभी भी इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो देखिए हेयर इज़ अ डेटा ऑफ सोशो एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया। सो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा जो सेंसस था उसने रिकॉर्ड किया रिलीजन ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन आफ्टर 10 years, एंड द पर्सन हु फिल्स द सेंसस फ्रॉम हिज और हर विजिट्स टू एवरी हाउस होल्ड और रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी ये जो सेंसस कैलकुलेट करने जाता था वो हर एक चीज़ रिकॉर्ड करता था, लाइक रिकॉर्ड्स ऑफ द रिलीजन और एग्जैक्टली उस बेसिस पे जिस तरह से वो डिफाइन कर रहा है। अगर कोई बोल रहा है कि हम कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते और इफ़ समवन इज सेइंग कि मैं अथीस्ट हूँ, सो इसी एग्जैक्ट सेम वर्डिंग में इस चीज़ को रिकॉर्ड किया गया और उसी की वजह से हमें रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिली डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ की कंट्रीज़ में जो जो ओवर द ईयर्स चेंज हुई। सो सिंस इंडिपेंडेंस टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच कम्युनिटी हैज़ इंक्रीज सब्सटैंशली, यानी कि हर एक कम्युनिटी यानी कि ए बी सी डी जो भी कम्युनिटी हो, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, सो ये सारे के जो कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज ही हुई है, ठीक है। लेकिन जो जिस प्रोपोर्शन जो था उनका अभी भी सेम ही है। इफ सपोज ए के पास थे 50%, बी के पास थे 10%, सी के पास थे 10% और 30% डी कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते थे, तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज तो हो गई लेकिन प्रोपोर्शन इज सेम, ओके। यानी कि परसेंटेज सेम है, द परसेंटेज इन परसेंटेज टर्म द पॉपुलेशन ऑफ हिंदू जैन्स क्रिश्चियंस हैज़ डिक्लाइंड मार्जिनली सिंस 1961। देखो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हुआ है आपको हिंदू जैन्स एंड क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन में, एंड प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम सिख्स बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। सो ये एक कॉमन मिस्टेकन इंप्रेशन है कि मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो कम हुई है, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। देखिए एक्सपर्ट एस्टिमेट डन फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स हाई लेवल कमिटी जिसको पॉपुलरली बोला गया संचार कमिटी, उसने बताया कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका एक्सपेक्टेशन है कि वो थोड़ी बढ़ेगी बाय 3-4% एंड इन द नेक्स्ट 50 years। सो ये प्रूव करता है कि लार्ज कम्युनिटी मतलब एक लार्ज बेसिस पे देखो तो उतना ज़्यादा प्रपोर्शन चेंज नहीं हुआ है, 1-2%, 3-4% भी बस आपको ऊपर नीचे देखने मिलेगा। द सेम इज़ ट्रू विद द मेजर कास्ट ग्रुप एज वेल। ये तो रिलीजियस ग्रुप देख लिए, ठीक है। अब कास्ट ग्रुप की बात करें तो दो तरह के सोशल ग्रुप्स काउंट होते थे, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ओके। बोथ ऑफ दीज ब्रॉड ग्रुप्स इंक्लूड्स हंड्रेड ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स हुज नेम्स आर लिस्टेड इन द ऑफिशियल शेड्यूल ऑफ इंडिया, इसलिए उसको शेड्यूल्ड उसको प्रीफिक्स दिया जाता है और तभी बोला जाता है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। सो शेड्यूल ट्राइब कास्ट जिनको कॉमनली बोलते हैं दलित्स, इसमें ऐसे लोग होते हैं जिनको पहले आउटकास्ट के जैसे जो है समझा जाता था इन द हिंदू सोशल ऑर्डर, और उनको लाइक एक्सक्लूड किया जाता था पब्लिक प्लेसेस से या फिर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी उनके खिलाफ। ट्राइब्स जो है थे वो बेसिकली आदिवासीज थे, ये कॉमन कम्युनिटीज़ हैं, शेड्यूल्ड कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइब्स हैं जो कि आपको हिली फॉरेस्ट एरियाज़ में मिलते थे या फिर रिमोट एरियाज़ में मिलते थे जहाँ पे हमारा पहुँचना या फिर उनका कॉमन और मेन सोसाइटी से इंटरेक्ट करना इतना इजी नहीं होता था। सो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा शेड्यूल कास्ट 2011 के सेंसस में 16.6% था और शेड्यूल ट्राइब 8.6% था कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का, सो विच इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। हियर यू कैन सी द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन 2011। सो हिंदूज मुस्लिम्स क्रिश्चियंस सिख्स
and others. This is the data. So coming back to the caste, so the census does not count the other backward classes, OBCs, and hence there are some differences in the proportions of these caste in the country. Ye bas aapko difference milega. Jab NSS ka survey aaya 2004-5 में, उसके एस्टिमेट्स में बताया कि 41% जो थे वो OBCs हैं, यानी कि SC, ST, OBC कितना हमारे देश में है, अराउंड 2/3 है हमारे देश का, है ना, एंड 3/4 हमारे देश में क्या है, हिंदू पॉपुलेशन. सो दिस इज़ जस्ट अ डेटा टू इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमारे देश में कास्ट और सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. इन द नेक्स्ट सेशन वील ट्राई टू डिस्कस कि ये कास्ट और पॉलिटिक्स कैसा रोल प्ले करती है. So if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading book and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. Agar aapko ye video pasand aaya to hamare YouTube channel ko subscribe kijiye, aur videos and updates ke liye sath hi sath download kijiye Sprint UPSC app. Yahan par apni book chapter and topic wise practice kar sakte hain. Dekhiye, sirf book padhne se aur videos dekhne se madad nahi milegi, jab tak aap acche se practice नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.